हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अयू वीडियो यो वॉचिंग स्मेल जो इंडिया माय नेम हिमांशु जितने भी फ्रेग्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आपको कौन सा परफ्यूम खरीदना है आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे लिंक्स दे दिए हैं हमारी वेबसाइट भी है स्मेल जोन डॉट इन यू कैन ऑलसो परचेज योर फेवरेट फ्रेग्रेंसेज फ्राम द डेडिकेटेड वीडियो ऑन टॉम फूड ऊड वुड वन ऑफ़ द मोस्ट पॉपुलर अमेजिंग ब्यूटिफुल वुडी सेंट जो कि मैंने इन कुछ सालों में स्मेल किया है वन ऑफ द बेस्ट वुडी सेंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन ये ऑन द टॉप रहने वाला है मैं कहूंगा इट्स वेरी मास अपीलिंग इट्स वेरी मेच्योर सटल सब जानेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है मिस्टर चैटर्जी ने जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं फ्रॉम कोलकाता आई जस्ट हैड अ कॉल विद हिम रियली हैप्पी कि एक डेढ़ साल से वो हमारा चैनल देख रहे हैं थैंक यू सो मच सर एंड आई एम डेफिनेटली टेकिंग योर रिक्वेस्ट एंड आई एम मेकिंग अ डेडिकेटेड वीडियो जस्ट फॉर यू एंड फॉर ऑल द फ्रेग्रेंस लवर्स जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं इस चैनल को थैंक यू सो मच सो टॉम फोड ऊडवुड अब टॉम्फोर्ट ऊट वुड के बारे में मैं आपको बता दूं व्हाट आई फील अबाउट दैट फ्रेगरेंस सबसे पहले जैसे कि हम ओड वुड का नाम सुनते हैं आपको मालूम होगा कि ऊध की फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रांग होती है कहीं के हेड एक होने लग जाता है मेरे घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऊद मैं अगर हल्की सी भी ऊट एक स्वाइप अपने हाथ पे आम पे लगा लूँ जेल जस्ट गो अब एक यार ये क्या लगा दिया इसको हटाओ सो so, ऊध की स्मेल सब लोग नहीं पसंद कर पाते इट्स अ वेरी एनमेिक सॉर्ट ऑफ स्मेल इट्स अ वेरी वेरी वुडी इंटेंस वुडी स्मेल जो सबको पसंद नहीं आती इट्स अ रेजन जो ट्री से निकलती है चिपचिपा पदार्थ जो ट्री से निकलता है सो नॉट फॉर एवरीबॉडी जैसे हम का नाम सुनते हैं तो हमको बड़ा वो लेदरी सा वो स्कैंकी सा फील वाली चीज हमारे दिमाग में आ जाती है ओड वुड की बात करूं फ्रॉम टॉम फोर्ड जो प्राइवेट ब्लेंड है दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग दैट इज नॉट एट ऑल स्ट्रॉग पंच इन योर फेस ऊट फ्रेग्रेंस इट्स बेसिकली अ वेरी नाइस ब्लेंड बिटवीन द लगजूरियस द्रीशियस वुड्स स्पेशली रोजवुड अब रोजवुड की स्मेल ऊटवुड से बहुत डिफरेंट होती है जो ऊट की लकड़ी होती है उससे बहुत डिफरेंट रोजवुड की स्मेल होती है इट्स वेरी सटल रोज की स्मेल तो आपको पता है सबको पता है कैसी होती है वेरी डेलीकेट सॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड यूज करना चाहूँगा ये सेंट जैसे ही स्प्रे करोगे एवरी बडी विल थिंग इट्स अ सॉफ्ट सेंट इट्स अ वेरी लग्जूरियस काइंड ऑफ स्मेंट इस सेंट इसके अंदर जो उन्होंने ब्लेंड किया है स्वीट एंड स्पाइसी एलिमेंट्स दो वुडी एलिमेंट्स आर नॉट एट ऑल ऑफ पुटिंग बिल्कुल भी ऑफ पुटिंग नहीं लगेगा बिल्कुल भी सरदर्द करने वाला ये फ्रेगरेंस नहीं होता मलाई की तरह आ रही है फ्रेगरेंस मेरा जो मेरे माइंड में चीज़ आ रही है मैं वो बोल रहा हूँ स्टार्टऑफ होता है एक काडिमम के नोट के साथ बहुत ही प्यारा स्वीट इलायची का नोट इलायची जैसी चाय वाली जो स्मैल आती है ना एक मिल्की सी क्रीमी रोज़वुड का एलिमेंट है नोट आएगा लेकिन स्कैंकी ओड नहीं है इट्स लाइक अट्स डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ स्मेल वीमेल एट दस पॉइंट माई कैमराज बैटरी वॉज टोटली ड्रेन आउट लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं, लॉन्जेविटी एंड परफॉर्मेंस की बात करें डिसेंट फाइव टू सिक्स आवर्स लेकिन आपको रिअप्लाई करना ही पड़ेगा प्रोजेक्शन की बात करूं तो इट्स आर्म एक्सपेक्ट टू बी अलाउड परफॉर्मर बिकॉज जो भी इसका पर्पज है ये बिल्कुल सॉल्व करता है ऑफिस में या क्लोज गैदरिंग में हो दिस सेंट इज फॉर यू दैट जो नया है और उसका भी कंपेरिजन मैं आपको जल्दी आगे आने वाले वीडियो में कर दूंगा फटाफट से बता दू तो इंटेंस वर्जन में ज्यादा वुडी नोट है यानी ऊद का नोट उसमें आपको ज्यादा मिलेगा कई लोगों को कम्प्लेट थी कि भाई इसमें ऊद का नाम दिया है लेकिन ऊद की जैसी स्मेल है नहीं तो वो एनिमेलिकल की स्मेल उन्होंने उद उद इंटेंस में दी है बट दिस इज अगेन अ पर्सनल प्रेफरेंस अगर आपको ऊद का वो स्कैंकीनेस नहीं पसंद है तो आप इसी वर्जन की तरफ जाइए लेकिन प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी ऑन एवरीथिंग इफ यू वॉन्ट मोर तो आप इंटेंस वर्जन लीजिएगा उसके डिकैंड्स के मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा हिट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑफ योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच प्लीज